ग्राम सेमरा में आए दिन दुर्घटना होती जा रही है। बिजली विभाग द्वारा खुलेआम मनमानी करते हुए आज एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, जो 11,000 की तार में फंसकर 10 पशु तड़पते रहे। इनकी दो में से मौके पर जान चली गई। बिजली विभाग को सूचना दी गई, उसके बाद भी बिजली बंद नहीं की गई। तब महिला ने वो बिजली की तार पकड़ कर हटाने की कोशिश की तो उसको भी करंट पकड़ लिया और आसपास की जनता पहुंचकर डंडे से तार हटाया गया। तब 30 मिनट बाद बिजली बंद की गई। अगर ये सूचना करते ही समय बिजली बंद कर दी जाती तो ये ज्यादा दर्दनाक घटना ना घटती। उसके बाद 100 नंबर पुलिस को सूचना करके लोगों ने बुलाया और मौके पर पुलिस पहुंची और वहां के जेई को ग्रामीण जनता द्वारा पुलिस विभाग द्वारा सूचना भी की। 3 घंटे तक कोई बिजली विभाग का अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इसके पहले ग्रामीणों द्वारा लिखित आवेदन 2 माह पहले दे चुके थे कि सेमरा गांव की 11,000 लाइन टूटी हुई है, तो उन अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके 5 दिन पहले 2 दुर्घटनाएं उसी तार से हो चुकी हैं। 10 साल का लड़का और एक भैंस करंट लगने से ग्रामीणों द्वारा उसे बचा लिया गया। के अंदर अधिकारी लोग नहीं पहुंचे तो हम लोग सब जितने यहाँ जुड़े हैं तो वही जाके रोड में हंगामा करब और रोड चक्का जाम करब। पानी को यहाँ समस्या ही, लाइट बंद ही, बिजली विभाग के आदमी आमे नहीं। दुई पशु यहाँ मर गए। 2 घंटा से फोन कीन गा, लाइट बंद नहीं की। 2 घंटा बात करें जब तक 2-4 मवेशी मर। मैं जे डिस्ट्रिक्ट सतना एडी को बोला हूँ, जी को बोला हूँ, वो बोले कि मैं रास्ते में हूँ, पहुँच रहा हूँ। बिजली विभाग के नहीं आई है तो साहब को हमें जान नहीं दे कर फिर जाऊ ना तब ना करब। हम का करी जाऊ हमसे बनी तब ना करब। का बनी तुमसे?